निधि के जीरन होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए ब्रेड चॉकलेट कैंडी लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं झटपट से इसको बनाना। ये 2-3 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है ब्रेड की स्लाइस और ये हार्ड कुकी कटर है, इसको मैंने ले लिया है और इससे हमको इसके शेप कर लेना है। आप चाहे तो अपने की इच्छा के अनुसार कोई भी कुकी कटर ले सकते हैं। और इस तरह से शेप मैंने इसका कट कर लिया है हार्ड का और 2-3 ब्रेड से मैं बना रही हूँ। आप चाहें तो अपने हिसाब से जितनी भी चाहें उतनी बना सकते हैं। ये कैंडीज बहुत ही अच्छी लगती है और बच्चों को बिल्कुल 2 मिनट में बनाकर आप दे सकते हैं। तो आप फटाफट से इस तरह से कैंडी कट कर लीजिए। मैंने इनको कट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर पैन चढ़ा ले रही हूँ, इसमें मैंने एक बटर का क्यूब ले लिया है और इसको हल्का सा हम ब्राउन इनको सेक लेंगे ताकि इसमें बहुत ही अच्छा एक टेस्ट आ जाए और बहुत ही क्रंचीनेस बन जाए। तो इनको मैं हल्का सा सेल्फ फ्राई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा हमको इनको डार्क नहीं कर देना, बस हल्का सा थोड़ा सा क्रंचीनेस आ जाए इतना ही हमको इसको पका लेना है। तो ये 1 मिनट में ये दो अच्छी तरह से पक जाता है, क्योंकि इनको हमको जलाना नहीं है तो बहुत ही हमको सावधानी से इनको हमको बनाना है। तो इनको हम हल्का सा एक तरफ से ब्राउन हो जाने देंगे, फिर दूसरी तरफ से पलटा के सेक लेंगे। अब दूसरी तरफ से भी हम इसको सेक लेते हैं पलटा कर बहुत ही सावधानी के साथ। ये हमको बहुत ही अच्छी तरह से इनको गोल्डन ब्राउन होने देना है ताकि ये इनमें कड़वापन ना आ जाए। इसीलिए हमको हल्का सा ही इनको सेकना है ताकि ये बहुत ही क्रंचीनेस हो जाए, क्योंकि ऐसे में ब्रेड बहुत ही सॉफ्ट होती हैं और हल्का सा हम इनको सेक लेंगे तो इनमें थोड़ा सा क्रंचीनेस आ जाएगा। आप एक बार अपने बच्चों को ये रेसिपी ज़रूर बना कर दीजिए, बहुत ही खुश हो जाएंगे। किटी पार्टी में, बच्चों के जन्मदिन में या फिर आप कभी भी उनके टिफ़िन में ये बना कर रख दीजिए, बहुत ही खुश हो जाएंगे और बहुत ही कम समय में ये बन जाती है। तो ये ब्रेड कैंडी आप एक बार ज़रूर बनाकर दिखाइएगा और खिलाकर दिखाइएगा उनको। तो अब ये हमारी एक तरफ से हो गई है, दूसरे साइड से भी हम इनको इसी तरह से हल्का हल्का होने तक के लिए सेक लेते हैं। और जो बचा हुआ हमारा मक्खन था उसको भी हम इसमें लगा लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से इनमें कलर आ जाए और ये एक अच्छी ना रहे। तो इसी तरह से हमको इसको बना लेना है। बहुत ही कम समय में ये सिक जाती हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी कुकी कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दोनों तरफ से अब हो चुकी हैं, क्योंकि हमें इन्हें बहुत ही हल्का सा करना है तो बस ये थोड़ा सा ही हमें करना था। ये हो चुकी हैं, ये देखिए ये तैयार हो गई है। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट में, क्योंकि ये सिक चुकी हैं। ब्रेड सिकने के बाद इनको मैंने प्लेट पर निकाल लिया और ये मैंने ले लिया है चॉकलेट सिरप। आप चाहे तो डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर वाइट चॉकलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं इसको एकदम इंस्टेंट बना रही हूँ। तो अब मैं इनको एक बीच में लगा लूँगी और एक सैंडविच से क्रिएट कर दूँगी ताकि इसमें चॉकलेट आ जाए। आप चाहें तो इसको डार्क चॉकलेट में पूरी तरह से डिप करके और 2-5 मिनट के लिए इसको डीप फ्रीजर में रख दीजिए तो ये बहुत ही अच्छी चॉकलेट कैंडी बन जाएगी। लेकिन मैं इसको चॉकलेट सिरप से बना रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही जल्दी से बनकर तैयार हो जाए। तो इसी तरह से हमको अपनी सारी ब्रेड पर इसी तरह से सैंडविच की तरह लगा लेना है। आप चाहें तो इसको नमकीन वाला भी बना सकते हैं सॉस या मेयोनीज लगा कर। और इसी तरह से हमको अपनी सारी रेडी कर लेना है। तो ये मैंने सारी रेडी कर लिए हैं। अब इसको हम ऊपर से और चॉकलेट और थोड़ी से शुगर कैंडी डालकर हम इसको अच्छी तरह से डेकोरेट कर लेंगे। आप अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से देखिए हमारी कैंडी तैयार हो गई है, बहुत ही अच्छी लग रही। तो लीजिए मैंने डेकोरेट कर ली है हमारी ब्रेड चॉकलेट कैंडी, इनमें थोड़ी सी मैंने शुगर कैंडी लगा दिया है। तो लीजिए बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।